अगर किसी के सामने कोई हरे हरे नोट परोस रहा हो तो सोचिए किसका दिमाग खराब नहीं होगा, और फिर वो हरे नोट अडानी समूह की तरफ से कोई अधिकारी परोस रहा हो तो और भी शायद दिमाग खराब हो जाए। व्यक्ति सोचने लगे कि भाई अडानी समूह की तरफ से आया है, सोचिए कितना माल कमा सकता हूँ। शायद हर किसी की नीयत खराब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक कलेक्टर एक आईएएस की बिल्कुल भी नीयत खराब नहीं हुई। ऐसी एक हरकत एक अधिकारी ने की और कलेक्टर ने फिर देखिए उसे कैसा सबक सिखाया। नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अडानी समूह कितना बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है देश का। दिखाते तो ऐसे हैं कि जैसे अडानी समूह कितने बड़े ईमानदार हैं, लेकिन ये जो घटना सामने आई है उससे अडानी समूह की नाक जरूर कट गई है। जिस समूह में इस प्रकार के अधिकारी होंगे जो आईएएस को खरीदने की कोशिश करें, वो भी पैसे के दम पर, नोटों के दम पर अपना कोई काम कराने की कोशिश करें, तो ज़रा सोचिए फिर क्या ही कहा जाए। अडानी पर भी खुद सवाल खड़े होते हैं कि उनकी कंपनी में इस तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं, या फिर उनके कर्मचारियों को रिश्वत देने की एक अलग ट्रेनिंग दी जाती है अडानी समूह के द्वारा, जिससे वो किसी को भी खरीद सकें। पता नहीं, ये तो खुद गौतम अडानी बता सकते हैं, या फिर उनकी कंपनी में ये कोई एक विशेष अधिकारी था जो नोटों की दम पर काम कराने की सोचता था। आप कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो बताइए कि मामला है क्या। मामला यह है कि अंबुजा सीमेंट, आपने सुनी होगी, इसके वर्तमान मालिक अडानी समूह गौतम अडानी हो चुके हैं, पहले किसी और की थी, गौतम अडानी ने इसको टेक ओवर कर लिया। इनके एक वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अधिकारी इस सीमेंट के, वो उड़ीसा के बरगढ़ जिले के कलेक्टर आदित्य गोयल के पास जाते हैं और बाकायदा गुलदस्ता और एक मिठाई का पैकेट ले जाते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा नेता एक दूसरे को गुलदस्ते देते हैं, जब ये खबर सुनेंगे तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा, कहीं गुलदस्ते के रूप में कुछ और तो आदान प्रदान नहीं होता जैसे यहाँ हो रहा था। यहाँ पर मिठाई के रूप में कुछ और ही था, मिठाई नहीं थी, काजू कतली नहीं थी या बेसन के लड्डू नहीं थे। इसमें हरे हरे रंग के नोट थे 500 के चार बंडल, और जैसे ही रामभव गट्टू इनका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने जब इस आदित्य गोयल साहब को एक पैकेट दिया तो उन्हें शक हो गया, और जैसे ही शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है, उन्होंने चपरासी से कहा कि ज़रा इस बंडल को खोलिए, और उन्होंने जैसे ही बंडल खोला तो उसमें नोटों के बंडल निकले। विजिलेंस अधिकारी से उन्होंने तुरंत इनको गिरफ्तार करवा दिया, रामभव गट्टू जी को। सोचिए, नाम में राम है लेकिन यहाँ पर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी से का नाम लेकर निवेदन करते तो शायद आदित्य गोयल जी वैसे ही काम कर देते, उन्हें खरीदने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ तो रामभव गट्टू जी का पुराना अनुभव ऐसा ही रहा होगा, किसी को भी पैसे के दम पर खरीद लेते होंगे, शायद कई लोग बिक भी गए होंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता इस देश में, अभी भी कई ईमानदार लोग हैं, और उन पर कार्रवाई करवा दी। दोस्तों, इस पूरे मामले को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आईएएस अधिकारी ने जो किया उसको लेकर के, अडानी समूह के अधिकारी इस तरीके से कर रहे हैं उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि अडानी समूह की जिस तरीके से संपत्ति बढ़ती जा रही है, आए दिन सवाल तो खड़े ही होते हैं कि बेईमानी संपत्ति है, गड़बड़ करके ये पैसा कमा रहे हैं, कई बार इन पर सवाल उठे हैं, हिंडनबर्ग भी इनके लगातार पीछे लगे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के लोगों के मन में ये है कि ईमानदार व्यक्ति तो नहीं है। और इस घटना ने और पुष्टि कर दी कि जब छोटे लेवल के ही रिश्वत दे रहे हैं तो बड़ा जो इनका मालिक है वो किन किन को खरीद रहा होगा पैसे दे करके। दोस्तों, आपको क्या लगता है अडानी ने पैसे देकर के किस किस के इस देश में खरीदा हुआ है? आपका मन जो भी कह रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।